पक्षांतर्गत कुरबुरी आणि त्यानंतर काँग्रेसची आघाडी या दोन मुद्द्यावर यशस्वी ठरल्यानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी आज प्रत्यक्ष प्रचारात उडी घेतली. सुलतानपूर इथे झालेल्या प्रचार सभेत त्यांनी काँग्रेस आणि समाजवादी आघाडीला 300 पेक्षा जास्त जागा मिळतील असा दावा केला. राज्यात काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव 14 संयुक्त सभा घेणार आहेत. मात्र भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेले मंत्री गायत्री प्रजापती यांच्यासह अखिलेश व्यासपीठावर उपस्थित राहिल्यानं भाजपला टीकेचा आयता मुद्दा मिळाला. प्रजापती हे केवळ आपलीच नव्हे तर आसपासच्या सर्व जागा समाजवादी पार्टीकडे खेचून आणतील अशा शब्दात अखिलेश यांनी प्रजापतींची स्तुती केली. त्यावर प्रजापतींसारखे भ्रष्ट नेते मुख्यमंत्र्यांचे ब्रँड अँबेसेडर झाल्याची टीका भाजप नेते केशव प्रसाद मौर्य यांनी केली. ये गायत्री प्रजापति हैं, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण सीट पे लड़ रही है चुनाव, इनकी भी मदद करना, हालांकि क्षेत्र इनका बगल में है, ये अपना भी जीतेंगे औरों को भी जिताएंगे, इसलिए इस लड़ाई में कोई चूक मत करना, इस लड़ाई में हमारी आप मदद कर देना. इनके शासनकाल में मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के इनके सरकार का पूरा तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है. कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गया हो, चाहे मरण प्रमाण पत्र बनवाने गया हो, बिना पैसा दिए, बिना रिश्वत दिए इनके शासन में कोई काम नहीं हुआ है. भाजपा की सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार के दोषी चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे इसके पहले की सरकार की मुखिया बहन मायावती जी हो, भाजपा की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार की जांच होगी और जरूरत पड़ेगी तो इन दोनों लोगों को भी जेल भेजने में भाजपा पीछे नहीं हटेगी. Zee 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.